Hello and welcome everybody to College Dunya's MBA YouTube channel. First of all, congratulations everybody for securing an admission seat in your dream MBA college. Second thing, अगर आप waitlisted हैं, तो don't worry, हमने waitlist movement की भी वीडियो निकाल रखी है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं. Now coming to the part, जिन भी बच्चों ने secure कर लिया है admissions, कुछ चीजें बहुत important हैं जो MBA school में जाने से पहले आपको बताऊं. These are the things जो मेरे को लगा, अगर मेरे को पता होती पहले से, so I would have gained a lot. So आज हम देखने वाले हैं some things to do before joining a B school. Start करते हैं सबसे पहली चीज, सबसे ज़्यादा important CV point verification. जो भी चीज आप अपने CV में prepare करना चाहते हैं, वो verified होनी चाहिए. So B schools में हर चीज verified होगी CV pointers. अब जितने भी लोग WorkX वाले हैं, वो अपने managers के through मेल के थ्रू पॉइंटर्स वेरीफाई करवा ले अभी से, बिकॉज आगे जाने के बाद समर प्लेसमेंट्स एकदम से आपको हिट करने वाले हैं, एंड अगर आपके वेरीफाइड नहीं है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी. सेकंड थिंग, जिनका वर्क एक्स नहीं है, जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, वो कॉलेज के जितने भी सीवी पॉइंट्स हैं, वो थ्रू कॉलेज, थ्रू सम प्रोफेसर अपने वेरीफाई करवा दे थ्रू एन ऑफिशियल मेल आईडी. इससे आपको बहुत टाइम बचेगा, प्लस आपके सीवी पॉइंट्स बहुत बेटर हो जाएंगे. सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्टिफिकेशंस. अब बहुत से स्किल्स ऐसे होंगे जो आपको आते जरूर हैं, बट ऑफिशियली आपके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है. फॉर एग्जांपल, यू माइट नो अ कोडिंग लैंग्वेज, यू माइट नो पाइथन, यू माइट नो स्प्रेडशीट्स, बट उनका सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा, सो दैट विल हेल्प अ लॉट इन योर समर प्लेसमेंट एज वेल एज फाइनल प्लेसमेंट. सो जिन भी चीजों को आप सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स लाइक यूडेमी, लाइक कोर्सेरा, वहां से आप ऑफिशियली कोर्स कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेशंस बिफोर गोइंग टू बी स्कूल आप ले सकते हैं. दे विल हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली इन योर समर प्लेसमेंट्स. थर्ड थिंग है हमारे पास, बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट. अब MBA इज अ जनरलाइज्ड कोर्स, यहाँ पे हर स्ट्रीम के बच्चे आएंगे. देयर वुड बी इंजीनियर्स, देयर वुड बी फाइनेंस बैकग्राउंड, देयर वुड बी कॉमर्स बैकग्राउंड. सो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन इंजीनियर, सो आपको अकाउंट्स के बेसिक्स आने चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स विल बी यूज्ड इन एवरी फाइनेंस सब्जेक्ट एंड कोर्स. अकाउंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. तो अगर आप उनके बेसिक्स जैसे कि टर्मिनोलॉजी, जार्गन, अगर ये आप पहले से सीख लेते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस चीज में है, बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट में है, वो है स्टैट्स. As you all know, data is very important. और जो भी लोग stats से comfortable नहीं है, जिनका maths background नहीं है, उनको stats के basic learn कर लेने चाहिए, because stats is a very difficult subject and 50% से ज़्यादा बच्चे stats में confused होते हैं. तो अगर आप college में जाने से पहले basics complete कर लेंगे, it would help you very much. Next चीज हमारे पास आती है, knowledge of your B school. जिस भी बी स्कूल में आप जाना पसंद कर रहे हैं या एडमिशन हुआ है, उसके बारे में अगर आप नॉलेज गेन करते हैं कि समर प्लेसमेंट्स का टाइम कब है, फाइनल प्लेसमेंट्स का टाइम कब है, कौन से क्लब्स हैं, कौन से कमिटीज हैं, तो आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा जाने से पहले कि क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या आपका एम रहेगा. अगर आप पहले से ही अपना एम सेट कर लेते हो, क्योंकि यू नीड टू गो इन टू एक्स वाई जेड कमिटी और एक्स वाई जेड क्लब, तो ये आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव देगा रेदर देन विदाउट प्रिपरेशन आप जाते हैं तो. सो अपने बी स्कूल के बारे में अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें उसका कल्चर. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, नेटवर्किंग. अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, सो यू कैन मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, डेवलप योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड कनेक्ट विद एलम्स एज वेल एज जो करंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव दे पाएंगे आपके बी स्कूल के बारे में. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रेडशीट. अब दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द बोनस वन. ऑल्दो मैंने सर्टिफिकेशंस की बात कर ली है, बट एज यू ऑल नो, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज वर्ल्ड. सो डेटा को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है स्प्रेडशीट, दैट इज एक्सेल. ऑल्दो देयर आर कोर्सेज इन ऑलमोस्ट ऑल MBA कॉलेजेस ऑफ MS Excel और स्प्रेडशीट्स, बट अगर आपके पास बेसिक्स पहले से होंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. सो कोई भी स्प्रेडशीट का अच्छा सा सर्टिफिकेशन या फिर नॉलेज के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल यूज जानते हैं, तो उसको एक बार ब्रश अप कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा.
So, इसी के साथ ये कुछ चीजें हैं जो आप MBA कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कर ले, अगर करेंगे तो इट विल बेनिफिट यू अलॉट स्पेशली इन योर समर प्लेसमेंट। ये सारी चीजें आपको वहां जाने के बाद इतना रोलर कोस्टर राइड रहता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि इन सारी चीजों के लिए टाइम आपको कम लगेगा। अगर आप प्रिपेयर्ड जाते हैं तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग योर MBA स्कूल। आई होप इस वीडियो के साथ आपको कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ने चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स की एडवाइस चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड आस्क योर क्वेरीज डायरेक्टली। द लिंक टू द टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ज्वाइन कॉलेज दुनियाज MBA YouTube चैनल।